नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जेके स्टूडेंट पॉइंट अपडेट्स में। आपको बता देंगे अगर आप जम्मू कश्मीर से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अपडेट नोटिफिकेशन और सरकारी नौकरियों के एग्जाम रिटर्न रिजल्ट के अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। इस समय आपको बता दें कि JKSSB की तरफ से मीटिंग हेल्ड की गई है जिसमें कुछ नोटिस कुछ एग्ज़ाम के बारे में बात की गई है। आपको बता दें कि पूरे जम्मू कश्मीर में यहाँ पर लॉकडाउन सिस्टम क्रिएट किया गया है, कोविड के केसेस लगातार आ रहे हैं, बट जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड लगातार अपने एग्ज़ाम की डेट और फिक्स टाइम टेबल के हिसाब से अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। बच्चों के पास लिमिटेड टाइम है, प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही, काफ़ी कन्फ्यूजन बच्चों के माइंड में चल रहा है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके दो दो एग्ज़ाम हैं जिसमें फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का डबल माइंडेड बच्चे हो गए हैं। अलग अलग सिलेबस है, सिलेबस हाई लेवल का है और काफ़ी बच्चे कंप्लीट नहीं कर पा रहे, काफ़ी कंफ्यूजन जहां पर क्रिएट हुआ है। आपको बता दें कि JKSSB की तरफ से कुछ असाइनमेंट्स यानी कुछ आंसर की जारी की हैं, कुछ एग्ज़ाम पोस्टपोन किए गए हैं, कुछ एग्ज़ाम नोटिस दिए गए हैं। आपको इस वीडियो में एग्ज़ाम कैलेंडर भी दिखाने वाले हैं और आपको बता दें कि अपकमिंग एग्ज़ाम की बात भी करेंगे। इसमें ही हम आप लोगों को बता दें कि फॉरेस्ट गार्ड के एक्सपेक्टेशन भी बताएंगे, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड के फिजिकल रनिंग की प्रेडिक्शन भी इसी वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। आपको बता दें कि JK स्टूडेंट पॉइंट और डिफेंस पॉइंट ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि जहां पर JK स्टूडेंट पॉइंट चैनल में करंट अफेयर 8 बजे हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको बता दें कि जहाँ पर गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक मीटिंग हेल्ड हुई जिसमें उन्होंने एग्ज़ाम लेने के लिए बात की गई है। उन्होंने कहा है कि अकाउंट असिस्टेंट का फाइनेंस का एग्ज़ाम है, हम 6 फरवरी से दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में टाइम टेबल रखा हुआ है जिसमें अकॉर्डिंग टू द फाइनलाइज यानी कि इन्होंने फाइनलाइज कर दिए हैं वेन्यू, एग्ज़ाम सेंटर, मेम्बर, पूरी फैसिलिटी के साथ 22 जनवरी को ये जहाँ पर नोटिस निकाला गया है। आपको बता दें कि मीटिंग हुई है 11:30 बजे। हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे, हम JKSS सर्विस सिलेक्शन कमीशन से अपील करेंगे, जिस तरह से जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में हंगामा हुआ इस तरह का हंगामा नहीं होना चाहिए। इसमें काफ़ी बच्चे डीमोटिवेट होते हैं और आप काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले। अगर सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में इस तरह का होगा धांधली या इस तरह की हलचल होगी तो काफ़ी दिक्कत रहने वाली है। जूनियर असिस्टेंट्स में स्ट्रेंथ कम थी, कम से कम 10,000 बच्चे ही हैं, बट सब इंस्पेक्टर की बात करें तो उसमें 1 लाख से ऊपर बच्चे हो सकते हैं। उनके एग्ज़ाम कब से होंगे? आपको बता दें कि JKSSB में पहली शिफ्ट में 97% बच्चों ने एग्ज़ाम पार्टिसिपेट किया है जिसमें 6000 यानी कि 5900 में से 5740 बच्चे एग्ज़ाम देने बैठे हैं। आप लोगों को बता दें कि आंसर की भी जहां पर जारी होगी है आंसर की ड्राफ्ट मैन मैकेनिकल की, जिसकी आंसर की आपको बता दें कि अवेलेबल ऑनलाइन वेबसाइट पर अवेलेबल है जो कि 4 दिन रहेगी, 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक आप लोग अपनी आंसर की मिला सकते हैं अगर आप लोगों ने ड्राफ्ट मैन का मैकेनिकल का एग्ज़ाम दिया है। JKSSB ने 3 शिफ्टों के एग्ज़ाम फर्स्ट एंड सेकंड बैच एग्ज़ाम पोस्टपोन किए थे 20 वाले, हंगामा हुआ था। इन सभी के एग्ज़ाम अभी 24 तारीख को कंडक्ट होंगे। एग्ज़ाम कैलेंडर की बात करें तो आप लोगों को बता दें कि इलेक्ट्रिक असिस्टेंट्स की बात नहीं करेंगे, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का एग्ज़ाम इन्होंने अपने शेड्यूल के अनुसार ही कंडक्ट कराया है। जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम 22 तारीख तक चलेगा। जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के बाद फाइनेंस अकाउंट का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है जिसका शेड्यूल आपको हमने पिछली नोटिफिकेशन के जरिए बताया है। इसकी तैयारी JKSSB प्रॉपर तरीके से कर रहा है, सब इंस्पेक्टर जो इनके एग्ज़ाम हैं। उसके बाद आप लोगों को बता दें कि जूनियर स्केल स्टेनोग्राफी के एग्ज़ाम 1 वीक ऑफ फरवरी में शुरू होंगे, काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, सबसे कम टाइम बचा हुआ है। पटवारी के एग्ज़ाम भी आप लोगों के फरवरी के 2nd वीक में स्टार्ट होंगे और 3rd वीक की बात करें यानी कि 2nd वीक आफ्टर 15 फरवरी सब इंस्पेक्टर का एक बड़ा एग्ज़ाम जो है वो जम्मू कश्मीर में कंडक्ट होने वाला है। JKSSB की प्रॉपर तरीके से तैयारी है, मीटिंग लगातार हेल्ड हो रही है, इसलिए अगर आप लोग अभी भी डिले हो तो आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। आपके पास काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, आप लोग एक स्ट्रैटेजी एक प्लान अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टडी करने का कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि जहाँ पर कुछ पॉइंट या कुछ टॉपिक नहीं दिए हैं पार्टिकुलर की कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। फिर भी इस बार कंपटीशन में काफ़ी कम लेवल होने वाला है क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस बार प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं हुई, कोचिंग सेंटर आखिरी कार में बंद हो गए थे उसके चलते यहाँ पर स्टडी नहीं हुई है। कम से कम 7,200 कैंडिडेट्स जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में लेने हैं सब इंस्पेक्टर में, उसके बाद ही आप लोगों का जो सिलेक्शन सिस्टम रहेगा। एवरेज के हिसाब से करें तो कम से कम 10,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके से फोकस कर रहे हैं, बाकी जो है वो सिस्टम तुक्का सिस्टम पर एग्ज़ाम देंगे। आप लोगों को बता दें कि इस बार तुक्का सिस्टम ज़्यादा रहने वाला है, फिर भी नेगेटिव मार्किंग है 1:25 की और कट ऑफ इतना हाई लेवल नहीं जाने वाला, कट ऑफ आप लोगों का कैटेगरी के आधार पर बनेगा जिसमें SC ST OBC और जनरल कैटेगरी के आधार पर रहेगा। बाकी उसकी बात हम अलग से करेंगे, सिलेबस को डीपली चेक करेंगे उसके बाद ही हम बात करेंगे।
आपको बता दें कि बाकी वाले एग्जाम जहां पर इसी शेड्यूल के आधार पर होंगे, हमारा काम आप लोगों को अपडेट्स देना है। फॉरेस्ट गार्ड के बारे में काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम की बात करें तो उन सभी का एग्ज़ाम का शेड्यूल इसमें नहीं दिया गया है। इसका मतलब है कि आप लोगों का मार्च के फर्स्ट वीक में फॉरेस्ट गार्ड्स का बी सिस्टम जहाँ पर आने वाला है, क्योंकि JKSSB को ऑलरेडी 10,000 से और 18,000 यानी कि वैकेंसी रेफर की गई है। JKSSB पर तगड़ा प्रेशर है, प्रेशर आप लोगों को बता दें कि जहाँ पर पोलिटिकल रीज़न और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स का है। आपको ऑलरेडी हम प्रोवाइड करवा चुके हैं वीडियो के जरिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कम से कम 22 से जहाँ पर 7% तक लाना है, इसलिए गवर्नमेंट दबा दब जहाँ पर रिक्रूटमेंट्स और अपने एग्जाम कंडक्ट करा रही है। जल्द ही प्रोसेस कंप्लीट होगा, आप लोगों को बता दें कि आप लोग अपनी करंट नॉलेज, अपनी बेसिक, अपनी और साथ में अपनी नॉलेज के साथ साथ आप लोगों को ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और जम्मू कश्मीर के रिलेटेड के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और तमाम जितने भी अपनी नॉलेज है करंट अफेयर, इन सभी को बढ़ाते रहें, क्योंकि आप लोग 2022 और 23 में जॉब ले सके। JKSSB के अंदर फॉर्म फिल करने के लिए उम्र सीमा 18 से लेकर 40 साल तक है, इसलिए आप लोग उम्र ना देखें, पेपरों की तरफ ध्यान दें। ऑल द बेस्ट, हमारा काम अपडेट्स करना है, जानकारी देना है, पेपरों की तैयारी किस तरह से करते हैं आप लोग आप पर डिपेंड करता है, हमारा काम नोटिस आप तक पहुँचाना है। ऑल द बेस्ट।